नमस्कार। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रव शकल कलिपल दहन। मैं आखिर की इस द्वितीय श्रृंखला में प्रभा केतान फाउंडेशन ITC राजपुताना और श्री सीमंट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आज के जो हमारे लेखक रचनाकार हैं श्री अरविंद सिंह आशिया, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है अपना, उसके इनपुट हेड श्री अश्विनी पारीक। मैं आप दोनों के अभिनंदन के लिए ITC राजपुताना के जनरल मैनेजर श्री तजिंदर सिंह जी को निवेदन करूंगा कि कृपया आगे पधारें और आप सबका इस्तकबाल करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आखिर राजस्थान के कवियों और लेखकों का को समर्पित कार्यक्रम है, जिसे प्रभा केतान फाउंडेशन द्वारा ITC राजपुताना के सहयोग तथा श्री सीमेंट लिमिटेड व ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन की सहयोगिता से आयोजित किया जा रहा है। मैं अब सम्मान हमारे आज के अतिथि डॉक्टर अरविंद सिंह आशिया को मंच पर चाहूँगा कि साथ में अपने रचना तथा व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए अश्विनी पारीक जी अपना चर्चा आरंभ करें। आप सभी गुणीजनों कार्यक्रम का आनंद लीजिए। थैंक यू। आपकी केवल 2 मिनट और ले सें। 9 तारीख में महाराणा प्रताप की जयंती थी, अभी 9 मई। अभी कुछ पढ़ रहे हो तो एक बढ़िया चीज है, मैं तो तुम बना याद कर रहा पाए कार्यक्रम शुरू करा, तो मेरे ख्याल से अभी राजस्थानी है और प्रताप ना पाए याद नहीं करा तो नुगरोपणो गए हो। लाहौर में थोजत अकबर महाराणा प्रताप को निधन हो तो दुरसा आढ़ा मगर दरबारी कवि है, तो वह एक मरसियो पढ़ो, वह आपने सुना होंगे, बाकी चीज़ें तो बहुत सुनी या मैं अचानक ही खड़े यहाँ हाथ लगी। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, मुगलों में क्या था कि घोड़ों के वो निशान लगाया जाता था, जितने भी उनके जिनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी उनके घोड़े पे दाग लगता था, तो उसका घोड़ा अणदाग रहा। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, मतलब पगड़ी को तूने झुकने नहीं दिया। गोवाड़ा गवड़ाए तेरा राज्य चला गया, जिको वह तो घुरबामी, मतलब अकेला जूझता रहा। नवरोजी न गयो, जो मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेता था उनकी रानियों को नवरोज में जाना पड़ता था। यदि अपन इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वो नवरोज मेला अकबर लगता था जिसमें केवल महिलाएं जाती थी, पर वो उनकी रानियां जाना पड़ता था। न गयो अस्तान नवली न गो झरोगा हेठ, मतलब तू बैठ के ऐसे कॉर्निस नहीं की दरबार में जाके कभी। हेठ जेठ दुनिया दहल्ली, मतलब तेने अपना रोब कायम रखा। गहलोत राज जीत गयो, गहलोत राण जीत गयो, गहलोत वंश के थे ना, गोहिल वंशी थे कि राणा जीत गया। दसन मूंद रणखांड सी निशा मुख भरिया नैण तो मृत शाह पात सी, कि अकबर ने निश्वास लिया कि अरे यार लड़ाई का मजा ही चला गया। तो मैं आज की ये शाम प्रताप को याद करते हुए, अरविंद सिंह जी ने हमारा रुद्र स्वीकार किया बहुत थोड़े समय पे, हमने इनको पर राजस्थानी और अपनी मायड़ भाषा के प्रति हमारा प्रेम है, आप सब लोगों को हम कोशिश करते हैं कि हम जुटे हैं और ज़रा कुछ सुने। अश्विनी जी हैं, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आज की शाम अपनी मायड़ भाषा के प्रति हम वापस अपने आप को जोड़ें। एक स्लिप हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको दी होगी, आप नाम और उसमें पूरी डिटेल दे देंगे तो आगे से समय पे हम आपको कार्ड भी भिजवा सकेंगे डाक से, और ईमेल और जो आजकल तकनीकी सुविधा हो गई है वो आप सबको हम दे पाएंगे। अब मैं आप दोनों के बीच से हटता हूँ, आप
करूं। अरविंद सिंह जी, आज यह मेवाड़ी धरती हूँ, आपने बीच रमाए पधारे, आप जोधपुर रमाए रिया, पाली रमाए रिया और घूमता घूमता ओटा मेवाड़ हो गया, उदयपुर रमाए रिया। इन बीच रमाए आज जब मैं सुबह हटाई करी उन टाइम मर मन में जी क्या सही जानबारी इच्छा ही कि सब साई तू इतो हेत किया पैदा भी हो काई है आ सगड़ा पहलुआ ना पा जान सग आप ही जानव जरूरी है कि कथाओं लेर और आप काकड़ियों तक जो सफर हो आप रो वो किया पूरो करियो किया करियो गयो काई रचना जी मन में काई भाव आ मोटी बात हुए साहित्यकार लिखे जने कि साहित्य रा बीच में भाव काई है। आप राजसमंद जिलारा मंगटिया कला गांव है उठाऊँ उठिया उदयपुर गया पिताजी री नौकरी के चक्कर में पाली जिला रे मायने बचपन काटियो उदयपुर जयपुर रे मायने पढ़ाई करी एमए करया एमएड करया एलएलबी करया एमए भी अंग्रेजी साहित्य रे माये आपरी रही समाजशास्त्र रे मायने आपरी रही। उन बीच रे मायने जो लेखक रो भाव है वो जिको प्रकट हुए वो जब मोटियारपणो आयो उन टाइम आती हुई तो वे कई परिवर्तन है। आपरी पहली किताब कथा ही मैं आप लोगों ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ अरविंद सिंह जी आप तैयार मायने घणो घणो स्वागत है सा। आपकी पहली किताब है कथा उन वास्ते कई जानना चाहवा मैं सगला कि वो जो सफर है कथा तक आप पढ़ाई पाचे वो क्या पूछो सबसे पहली तो सगला जयपुर ने क्योंकि आप जयपुर ने पूरा ने रिप्रेजेंट कर रहा हुआ तो आप सगला ने मारी तरफ घनी क्षमा कि आप पधारे और सागे ही प्रभा खेतान फाउंडेशन श्री सीमेंट्स आखर राजपूताना आई सी टी होटल आ सगला रो भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज रो सफर इतो अच्छो करियो आपकी मने ओ नहीं लिखा रियो है कि किणी तरह की कोई भागम भाग है क्यों काले केंद्रीय साहित्य अकादमी की तरफ से कहानी पाठ हो बांसवाड़ा में तो 450 किलोमीटर गाड़ी चला रात्रा घर पुग्यो पाछो आज सुबह अठे हाजिर भी हो आप रे सेवा में और सब चीज़ जो स्मूथली आप रे सामी है वो इन चारों पाँचों ने आ क्रेडिट में देनी चाहूँ। अश्विनी जी मैंने वो पूछियो कि कथा तकरो सफर की कर रही हो तो मैं आपने बताऊँ कि कहानियाँ मन में नहीं उतरे कविता मन में उतरे कहानियाँ हमेशा आदमी ने छीलती निकल जाए जो छिलको पेंसिल रो उतरे जो कहानियाँ हमेशा छिलका रहे जो आदमी ने छीले वह सीधी दिल में नहीं उतरे आरो बोध अलग है और वो इस कारण है कि कठिन कठी कथा वस्तु जिन टाइम मारे बचपन रे माँ ने मारे स्वामी आयो मैंने बार बार अट्रैक्ट करते रहो। दूजी एक मोटी बात आ है सा कि राजस्थान रे माँ ने वात परंपरा बहुत पुरानी आपने सगला ने घरे मायने भी नैना टाबरा ने दादी दादा नाना नानी रात रात सुनो पहली बातें सुनावे वे बातें कोई एग्जैक्ट इतिहास तो नहीं वे लेकिन कठी ने कठी आपने इतिहास ने कल्पना ने इन्हें परोड़ता थका मीन टाबर रे मन रे मायने एक ऐडी छवि पैदा करे जो कि आपरा समाज आपरो इतिहास आपरे आस पास के पर्यावरण ने विणु जोड़ता थका चले और आई चीज रही कि जिन टाइम मैं टावर हा तो इन तरह बचपन रे मायने जो बातें सुनता वे बातें कई दिमाग रे मायने ही इवन पात्रा ने मन में घड़ता कि एक कड़ाक वेला एक इन तरह लोग रिया वेला राजस्थानी में बात शुरू भी आ करे सा कि राम जी आपने भला दिन दीजो अटू शुरू करे अब वो वटू ही एक बड़ी नई चीज आवे कि पूरा जगत रे मायने सबरे वास्ते आप एक सर्जन सुखाए सर्जन हिताए वाली बात राजस्थानी भाषा में कटी बच्चा रमन रे मान पाए चले और ओ मेजर कारण हो कि कहानियां रे प्रति मारो झुकाव रियो बाद रे मायने स्कूल में पढ़ता जने पापा जी एक किताब ले आया हा नरसिंह राजपुरोहित एक बहुत उम्दा लेखक भी आसा पर राजस्थानी का बिजी लक्ष्मी नरसिंह राजपुरोहित जी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ओ जो एक दौर हो विण दौर रहा लेखका में राजपुरोहित जी की विण किताब ही अमर चुनरी मैं नाम हाल ही याद है तो पापा जी विण मायनू कदी कहानियां सुनावता और मैं टावर हा सुनता बैठा बैठा
तो पहली बार बातों कहानी माते शिफ्ट विरनो जो एक पैराडाइम शिफ्टिंग ही हमारे लाइफ रे मायने वा बटूंगी विरनो पहली बात ही लेकिन बातों एक लिखियोड़ी कहानी छपियोड़ी कहानी और वाह कहानी कितनी इंप्रेसिव है आ चीज मारे अमर चूंदड़ी किताब सु आई अमर चूंदड़ी बीजे तक आप आया तो बीजे रो कई कहवे कि राजस्थानी भाषा रे मायने बीजे रो घणो रोल है घणा लोगों ने मोटिवेट करे आगे कई आपरा जिंदगी रे मायने भी वो पहलू रियो कि बीजे रो कोई किताब आई हो जिन पर आपने लागियो हाँ बीजी जे वगैरह राजस्थानी साहित्य ने खाता में नहीं खता है सका मैं वो मानू सर बीजेदान देथा वो नाम है एक तो हमारी भाषा रे माने आ मोटी बात है कि टकसाली भाषा जो खास राजस्थानी मूल जिन्हें कह सका वह बिजीरी भाषा रे मान ली से और वे दिन में बिजीरी किताब आई थी लगे तगे एक श्रृंखला पूरी पूरी वातानी फुलवाड़ी और बाद में वह किताब मारे हाथे लगी जन मन लगो कि कहानियाँ लिखी भी सके और विन पढ़ने खुदरो एक आनंद वे और आपरा मन में जो कुछ है विने कहानी रूप में आप बारे भी निकाल सको और बस वठू ही वो विचार कठिन कठिन दिमाग में जो लेखक है विजय वो पैदा करियो आप वो मान सको सर पैदा तो कोई कोई एड़ा विचारों ही जो है लेखक और एक बड़ी छोटी सी मैं डिवाइस कनी कनी मजाक रे मान यूज करा सा कि आप अगर छोटी गाड़ी रे माने आप अगर सड़क रे किनारे बिराजे हो गाड़ी में और कनो कोई बड़ी गाड़ी एकदम निकले सा तो छोटी गाड़ी हल्की सी हिले और मन लगे लेखक वो छोटी गाड़ी दे दियो है कोई घटनाक्रम जो ही कने में निकले या कोई ऐडी बात है तो वो संवेदनशील है तो वो हिल जावे आम आदमी कनो निकल जावे शायद और बिजी राजपुरोहित जी लक्ष्मी कुमारी जी शायद बड़ा बड़ा नाम ऐड़ा हा के कठिन कठिन मने धकेलता रिया और अठा तक वो सफर मालूम है हमें कथा और कथा टू तो है दूजी है लेकिन काकीड़ो जी को अपना गिरगिट के वहाँ ये भी एक रचना दिख रही है इनका मायने काई खास मैं अश्विन जी पहली तो एक बात आपने कहना चाहूँ कि मारी नज़र में कविता देवी एक आ रहे वो बहुत आसानी नहीं भेज सके कहानियाँ बड़े लिखी सके पर कविता कहीं भी आकर कि कॉन्सनट्रेट है साइंस री भाषा में जी ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ फिल्ट्रेशन जो है कि आप ऊपर पूरा भर दो पच वो एक एक बूंद बूंद भरन जो नीचे टपके वह कविता है तो इतरो आसान काम कविता नहीं मैं खुद ही बहुत डरी हुई इन किताबों लिखनों पहले पर कविताओं तैयार ही और की कविताओं वे ही जो आपरा मन रे मायने में जो क्यों कहानी कने वे निकले और कविता मन में उतरे ओ फर्क हो तो की वे भाव जो मन में उतरी ओड़ा हा वह ने कविताओं रूप में काकिंडो रूप में आपरे सामी में रखियो और उद्देश्य वही हो इनो काकिंडो शब्द रो मतलब ही गिरगिट है यानी पल पल में रंग बदलतो आपरो आस पास रो परिवेश जो है विने मैं कोशिश करी के इन कविता रूप में आपके सामने लो मैं अगला चाहूंगा कि काकीड़ा रे जैसा दो तीन प्रमुख आप काव्य छंद है वे मान सगला सुनाऊं मैं भी जानना चाहूंगा कि मानवीय जीवन रे मायने किसा ऐसा बदलाव है कि मैं गिरगिट हूं एक समाज रा इने मैं देखता हुआ तुलना कर सका मोटिया रो लुगाया हूं और दूसरी बड़ी बात है कि कविता कठिन कठिन समाज रे माते भी असर करया करे बारा बोल आप शुरुआत में बोलिया भी है तो वे जकी बातें हैं कोई प्रमुख आप जो लगे कि आ चूकी हो गई सके अगला रे दिला तक हिवड़ा तक पूछ सके बे कौन सी रचना है मैं चाहूँ सगला कि आप बान सुनाओ मैं बिल्कुल अश्विन जी आपने आपकी बात नू सहमत भी हूँ और इन बात ने आगे बढ़ाऊँ कि साहित्य समाज में से फेंकी जे नहीं समाज जो आपने दे वो आप रिफ्लेक्शन रूप में साहित्य रूप में पाछो लौटा हुआ तो समाज जो जिन तरह की आप रहे हाथे एक्टिविटी करे जिन तरह आप रहे हाथे इंटरेक्शन करे वो ही कठिन कठिन साहित्य बनने पाछो समाज के पीछे जावे तो इन तरह की चीज़ें ही इन मायने है और आप जो आदेश करियो मैं दो चार चीज़ें आप नज़र करूँ राजस्थान में ठेठसू लगाए आज तई एक सबू अब की आफड़ा है कि समाज में जो परेशानियां हैं वारे माते ही लोग लिखता रहे 11वीं 12वीं सदी में जो लिखी हुई किताबों शुरू करा 15वीं सदी में जो अकाउंट काउंट भी आ करे उठो लगा आज तक ही समाज तो जटिल है राजस्थान रो कि समाज री स्थिति स्त्रियां री स्थिति लेन देन साहूकार कर्जदार किसान इन माने ही हमारा समाज जो पूरा है वो फंसेड़ो है तो कठिन कठिन आन तबका ने ताकत देवनी कोशिश भी मैं करी कि भाई कविता रे माध्यम से ए तबका बारे आवे जो खास करो स्त्री रो जो दर्जो है वो बार बार लारे रखे कि भाई स्त्री जो है वो दोयम दर्जा माते है मैं कोशिश पूरी आ करी कहानियों में भी कविताओं में भी
कि वीनी ताकत उभर न बारे आवे इन तरह की बात अगली आपने हिवडारा बोल बेला पर कौन सी तो एक होली रचना जी की या लगे कि हाँ भाई आ हिवडारा करने है इन कैन आप कह सका कि भाई आ सुनो आपने छोटी छोटी एक दो चीजें आपने सुनो एक इनमानी जी एक कविता है भारतीय भूमिका भारत शब्द जो है वहाँ पर है वो महाभारत रे वास्ते यूज करें कि भारत मचियो भारी मतलब महाभारत रो युद्ध जो है वो बहुत भारी युद्ध हो तो महाभारत री भूमिका की कर लिखी जी इनमाते एक कविता है और निश्चित ही वह स्त्री विमर्श में काउंट की जा करी सके है आप रे नजर है कि सरत्रे सागे बेटियां रो ब्याह एक शर्त राखी जी की माछली बींदी वो वीणु पहली एक धनुष्यज्ञ भी राखी जो सरत्रे सागे बेटियां रो ब्याह ना जो गई जी वो जोगापणो तो नहीं हो क्योंकि बेटी भी तो मानव ही सरत्रे साथे बेटियां रो ब्याह ना जो गई जी पण तो ही सरत तो उन एक ही पूरी की दी ही ने माछली बींद ने तो ही सरत तो उन एक ही पूरी की दी ही ने माछली बींद ने शेष चारों तो खिलको देख रहा हा पण पांचवा शेष चारों तो खिलको देख रहा हा सर ताई तो मैं उनरी जी पछे थू मने क्यों बांट दीदी पांचा ने बिचारे मोटो सवाल है के अर्जुन आए ने क्यों मामा में एक चीज लाया तो माँ क्यों भाई पांचा ने विजय बांट दो सरत ताई तो मैं उनरी जी पछे थू मने क्यों बांट दीदी पांचा ने बिचारे कठे ईसो तो नी के थू डरगी हुए पुरुष प्रधान समाज सो कटे इसो तो नहीं कि थू डरगी वे पुरुष प्रधान समाज सू कि कदई पांचों बेटा आप आपरे बापा रो नाम नहीं पूछ ले क्योंकि एक भीम रो बेटो एक वायु रो बेटो एक इंद्र रो बेटो एक सूर्य रो बेटो पांच ही बेटा पांच ही पांडव जो है पांच अलग अलग पिता री संतान तो द्रौपदी रो एक एक ताकतवर स्त्री रूप में कोई एड़ो थू क्यों करो कटे एड़ो तो नहीं थारो डर हो वो थारे माथे हावी वेगो और तू मने भी देखो आखटी आगे नहीं निकल जाए इन्हें भी पांच रे हवाले कर दो कि कटी थू डरगी हुए पुरुष प्रधान समाज सो कि कदी पांचों बेटा आप आपरे बापारो नाम नहीं पूछ ले मने तो इसो इज लगावे है कि थू थारे माथे लागता छाटा सो बचन सारू मारे माथे छाटा उछाड़ दिया बात है कि थू थारे माथे लागता छाटा सो बचन सारू मारे माथे छाटा उछाड़ दिया खैर थू तो माँ ही तू तो माँ ही नहीं हा तो सास ही खैर तू तो माँ ही नहीं के थने दुख हो तो तू तो फगत एक रानी ही इसके अर्चरित सु भरी जदी तो मने चीज समझ और बांट दीदी और विसी हिंडोली थारी औलादा कि एक लुगाई माते जोरावरी कर और मात्र भक्त बन गया बहुत को कि विसी हिंडोली थारी औलादा कि एक लुगाई माथे आपरी जोरावरी कर मात्र भक्त बन गया महाभारत री नींव तो उन दिन ही पड़ गई है भारत की भूमिका कि महाभारत री नींव तो उन दिन ही पड़ गई है कि घर गांचिया ना बड़ी पर ऊंदरा ही कहीं हो रहा है तो एक इन तरह की कविता आपने महाभारत री रचना तो घनी है हिवड़ान चीरती बारे जावे पर तू जो राजस्थान का इतिहास ना आप देखा है कभी राजस्थान रे बिना अधूरो रेवे इतिहास रामायण ऐसी कोई घटना जिन आप कह सका कि आप हिवड़ान चीरती बार जावे देखो अब इतिहास रामायण तो निश्चित ही क्योंकि मैं जड़ो अर्थ करियो आपने कि इतिहास और साहित्य साथ साथ चले रामायण कोई फर्क घणो नहीं भिया करे लेकिन वो है कि साहित्य तारीखों नहीं चले और इतिहास तारीखों चले वो एक मोटो फर्क है इतिहास में घणकरी घटना इतिहास रे हिसाब गई लेकिन वारो विवेचन जो वियो वो राजरा टकाऊ लिखे वाला इतिहास हूँ वियो मानवीय संवेदना री सामू नहीं वियो आप अगर ज्यादा तो एक मैं और बिल्कुल बिल्कुल मैं तो हनुमान बैठे आंकड़ा आता इतिहास में एक मेवाड़ हूँ मैं खास कर मेवाड़ों आप सगड़ा परिचित था सा मेवाड़ में मायने एक पात्र वियो पन्ना पन्ना धाय धाय मारो काम हो गए तो कि राजकुमार ने दूर पिलावन काम करती रानी जी जगह और वह मारे जो बराबर मानी थी इन वास्ते भी ने धाय कहता धाय माँ कहता तो पन्ना धमन रो जो इतिहास है पन्ना धाय रो वो आप देखा हो तो राजा उदय सिंह जो है बारा बलिदान अगला जाना बन बिल्कुल बिल्कुल तो किन तरह वह आपरे बेटा रो बलिदान दियो
राजा ने राजा कंवर ने बचाव वास्ते और बड़ो इतिहास रे मन अनूठो उदाहरण है। आज भी पन्ना ने बहुत याद करा, लेकिन अलग दृष्टियों में इन कविता ने देखी हूँ, आप सामने नजर करूँ, क्योंकि साहित्य में वो फर्क तो वेणो ही सही मन लगे कि मुँह मानू हूँ कि ओणी पण थारा हाचल चूंगिया, कि मैं आ बात मानू हूँ कि तू विने भी दूध पिलायो हो उदय सिंह ने भी, और तू इन घरो लूण भी खायो हो, पर मने ओ बता कि मारो कहीं कसूर हो। क्योंकि जो टावर मरियो इन टावरों तो कहीं कसूर नहीं होता, न कोई राजनीति ही भी नहीं, इतिहास में टावर ने भले अलग कर दियो, लेकिन टावरा सवाल तो आपकी जगह हुआ है कि मैं मानू हूं कि ओणी पण थारा हाचल चूंगिया हा, और थूई उन घरों लूण खायो हो, पण मने ओ बता कि मैं थारो कहीं कसूर करियो, थू के समझे ही थू अमर होगी, मिनक थारा गुण गासी कहीं था, इतिहास तो राजरा टक्का लिखा सी पण बाल हत्या की कर उतर सी, कि इतिहास तो राजरा टक्का लिखा सी पण बाल हत्या की कर उतर सी, थने मारी सोगन सांच बोल मारो कवड़ो डील दूधरा दांत और भोड़प की थारे आडे नहीं फिरिया, के थने मारी सोगन सांच बोल कि मारो कवड़ो डील दूधरा दांत और भोड़प की थारे आडे नहीं फिरिया, थने एकरी ओ याद नहीं आयो कि मैं थारी थपक्यासू निसंक हुई सूतो हो, ओ किसो लूण हो, टाबर कीकर करसी आपरी माँ माते भरोसो, किताबर कीकर करसी आपरी माँ माते भरोसो, गाबड़ झुग्गी सृजन हारी थने घड़र, कि गाबड़ झुग्गी सृजन हारी थने घड़र, मैं तो नहीं बोल सक्यो पण मारो हक हो जीवन रो, थू कुण ही ओ हक हुसन वाली, केवत है के राखनो और मारनो तो उनरे हाथ में है, ऊपर वाला रे हाथ में, तो कहीं थू वावेगी के तू मने बटे सुलाई दियो मन ने, थोथा थतोबा और मौर थापोटन सु राजी मत वे, थारे इन करम सु टाबर सब सु पहली आपरी माँ सु डर सी, कि थारे इन करम सु सब सु पहली टावर आपरी माँ सु डर सी, और रोज एक सवाल कर सी कि वह माँ ही कहे, तो मन लगे से इन तरह की बात जो है साहित्य में कठिन कठी आनी बहुत जरूरी ही, और दो ही रूप है जटे स्त्री ताकत री बात आपरी जगह स्टैंड करे है, वटे इतिहास में दूसरा पक्ष देखना भी बहुत जरूरी वे जाए, एक तरफो खाली नहीं वे जाए इतिहास, अभी एक बहुत जरूरत वेर साहित्यकार सामी वो चैलेंज भी विया करे। तो आज रे हता ही आप मेवाड़ री धरतियों शुरू करी, मेवाड़ री बात करी, राणा प्रताप री बात करी, मेवाड़ वीरता खातिर जानी जावे, यह नहीं है कि मेवाड़ में राणा प्रताप रो ही जिको है शौर्य वो ही बखान करवा लायक है, मैं एक पात्र और सुना पद्मावती रो, क्या महारानी पद्मावती ही बारो जुगो रूप हो बिन देख एक मुगल शासक आई, और बा जो कहानी है बा भी कई आपरा पात्रा रे बीच में कई जगह रखे, इन कविता रे बीच में आ भावा रे बीच में वो शौर्य वो बखान में अटच हो सका। देखो एक इतिहास रेमान एक सब बड़ी चीज है, आपने कैमरा आई वेणो बहुत जरूरी है, आपने भावनाओं से बारे आना बहुत जरूरी, क्योंकि जो घटियो है वो आपरे हिसाब में घटियो है, आपरी सोच आपरे हिसाब से चले, और लिखण ने मायने जड़ो कि मैं बार कविता में आपने अर्ज करी कि राजरा टका इतिहास लिखा हुए, इतिहास एक तरफो भी लिखेड़ो वे सके, और इन तरह आप जो फरमाओ एक पात्र मेवाड़ी धरती माथे भी है इतिहास में भी आवे, और वो है पद्मिनी, और हमारी कथा अपने आप रे मायने लगभग वो हम जो आपके राजस्थान में विश्वसनीय इतिहास ही माना आपा, हालांकि इतिहास री कहीं बुक रे मायने हाल मैं नहीं पढ़ पायो, कोशिश कर रही हूँ कठी पद्मावती रो पद्मिनी रो मिले, हालांकि जौहर रे भी मिल रहा है प्रमाण, पर लिखित इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी रो पद्मावत अगर आप अलग कर लो तो हाल वही है कि हमारे बारे में पूरी डिटेल्स इतिहास रे मायने अवेलेबल नहीं है, और वह कथा कुण इन तरह ही कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करियो चित्तौड़ माथे और कई महीना घेरो डाल रियो उठे, किलो नहीं जीत पायो, और बिन आक्रमण करियो हो पद्मिनी ने लूटन वास्ते कि बहुत सुंदर ही तो भाई पद्मिनी ने महारानी बना लियो, और आखिर में एड़ो क्यों यो कि राहुल रतन सिंह जो विन टाइम राजा हा वहाँ एक प्रस्ताव रखियो
कैसा आप महारानी जी ने कांच में देख लो और आप अगर देख कर पाते जाना चाहो तो मैं इतनी झलक दिखा सकूं और वो प्रस्ताव मानी जी और एडो व्यो मान कहवत है सर कांच ने माने पद्मी जी सूरत दिखाई और बादरो इतिहास अपनी जगह स्टैंड करें और बस इन्हीं चीज ने लेर एक कविता आपके सामने मैं और पेश करना चाह रहा हूं। कविता रो शीर्षक है आप करनी, क्योंकि आप रहते माने राजस्थान में कि लड़कियां आप कर्मी वे बाप कर्मी नहीं हुए करें। उन मने लूटन सारू हमलो करियो अर्थों आरसी में परोसर मने उन रे सामी धर दी कि भाई कांच में थन देखा है तुम। उन मने लूटन सारू हमलो करियो हो अर्थों आरसी में परोसर मने उन रे सामी धर दी फोटकारो है थारी मर्दानगी ने इनसू तो चोखो हो तो के मारे सेजरा फूलासू थने सूपियोड़ो केसरियो रंग मैं एकर पाछो सूपर तो देख तो बहुत के इनसू तो चोखो हो तो कि मारे सेजरा फूलासू थने सूपियोड़ो केसरियो रंग मने एकर पाछो सूपर तो देख तो माथे सेर सूत बांध्या जायर भगत मने ऊबी कर दी आरसी रे मिस कितने कांच में देखा है तुम कर मन ऊबी कर दी। अरे थारे कोट रा रखवाड़ा तो घना ही हा पर मुँह तो नागलोक छोड़ थारे भरोसे आई ही। मलिक मोहम्मद जाय से लिखे एक बार नाग कन्या ही के मुँह तो नागलोक छोड़ थारे भरोसे आई ही। अरे नाजोगा जे तू मारी इन माटी ने रुखाड़ता मर जातो तो थारो माथो खोड़ा में मेल और बढ़ती के अरे नाजोगा जे तू मारी माटी ने रुखाड़ता मर जातो तो थारो माथो खोड़ा में मेल और मरती बलनो तो मारे कर्म में लिखेड़ो हो कई बात कि बलनो तो मारे कर्म में लिखेड़ो हो पण घरो धणी रे हाथ पराया ने परोसियोड़ी थाली रे दंस रे सागे तो नहीं बलनो पड़तो। एक बहुत बड़ी एक लुगाई रा स्वाभिमान ने चोट लगी जड़ा ए पंक्तियां निकली है कि निश्चित तौर सा आप देखो कि जोर तो पची भी हो लेकिन ओ दंस तो नहीं देतो पण घरो धणी रे हाथा परायो ने परोसियोड़ी थाली रे दंस रे सागे तो नहीं बलनो पड़तो। मारे मरण रो दिन तो उन दिन ही तय हो गयो हो जिन दिन थू मारे पाछे छिप और मने आगे उबी करती। पण दोष किन रो वो भी मर्द हो और थू भी मर्द वास्तो और मारे कर्मा में तो फगत मर्दारे राख्या रहनो और मर्दारे मारिया मरणो लिखेड़ो हो। हे ईश्वर गणगोर आप रहते ईश्वर गणगोर हाँ जिन टाइम कमारी कन्या वा दुआ मांगे ईश्वर गणगोर मांगे और कह वा वेगी पूरी वे कि हे ईश्वर गणगोर एकर आने ही लुगाई रो जमारो दीजिए। क्या बात है तो कोशिश आई जैसा कि ताकतवर जो है आप रहते स्त्री विने लारे राखन ने और विने बातें इतिहास तो आप ही छाया है उसने उगड़न की कोशिश प्रधान समाज बात है यूं बड़ो व्यंग नहीं ले सका कहीं हाँ प्रधानता तो कांटा कठूं चालू भी सा तो बात अलग है लेकिन हाँ और जरूर है कि राजस्थान में आ चीज बहुत ज्यादा ही और अभी भी मन नहीं लगे शायद कि कोई बहुत बड़ो फर्क आयो वेला क्योंकि आप इतिहास में थोड़ो सो साहित्य थोड़ो सो इतर भी देखा तो जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो कोई बहुत सम्मानजनक नहीं है आज भी तो कठे ही ऐसा सब चीजा कन्या भ्रूण हत्यार आए दिन लड़कियां ने पालना में छोड़ देना और चाल ही रही है तो कठे स्त्री और सम्मान तो बहुत जरूरी है कि विणमात बात वहनी चीजें और वह बराबरी भी हकदार है इन माते भी बात वेनी चाहिए आज चीज बेहद जरूरी लगे साहित्य में आई बात फूट रही है कि आप दूसरी तरफ उबा और देखो जन आपने पतो लागे कि सांच का ही लाग सके। मैं लोग जब हताई करिए पहली बात आप महाभारत री भारत री करिया महाभारत कदे कृष्ण बिना पूरी नहीं हुए मैं कदे आपकी किताब रा बार पन्ना पलट रही हूँ उन टाइम में तो राधा कृष्ण रो भी जिक्र मैं इंद्र मायने देख रही हूँ तो थोड़ी सी मन में बात जिज्ञासा है कि कई रही सके बात मैं आप मन लगे साहित्य ने अच्छो आप हिसाब पढ़ लियो मारे लिखोड़ा ने इतरो तो अच्छो मैंने पन्ना पलटो हो जड़ी नजर आई एक कविता इन मायने आप नजर करूँ मैं
મને કે ઇત્રો મત પન્ના કટે કટે કાઈ નહી તો આદલી પણ હા બેન કવિતાર માયને એક ફરક તરીકા હું સ્ત્રી રી પાછી વાત ભી હે વો મેં આપને સામે કવિતા નો શીર્ષક હે રાધા जो फरमायो अश्विन जी, मैं भी नहीं आपके सामने मिलूंगा। अटे फर्क तरीका हूँ स्त्री, क्योंकि स्त्री जो है वो लोग कहता है लाख सा 50% है, 50% आधी आबादी, मने उल्टो लगे, मन तो लगे पूरी आबादी है, क्योंकि सृजन करने की ताकत एक ईश्वर है हाथ में, एक स्त्री है हाथ में, दूजा किने हाथ में नहीं है। मन ताकत रो मोल समझ पा रही जो तो आप नजर करूँ आप बिल्कुल बिल्कुल थने पाछो बावड़न दी थावस दे और मैं वो गयो, कृष्ण केर गया हाथ में पाछो आऊँ और गोकुल मथुरा वहाँ रवानगी कर ली। थने पाछो बावड़न दी थावस देर मैं वो गयो, कदी डाण कदी लोकतंत्र कदी धर्म कदी युद्ध तो कदी वंश नाश ने रोकन सारो। कणी तो मथुरा नरेश बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया तो भाई दही सप्लाई नहीं करा, मटकियाँ फोड़ दिया, इन माँ ने भाग लियो तो कणी चुनियोड़ा राजा ने जेल में घालर, कंस की का राजा बन गो, विनय हटावनो लोकतंत्र ने बचावनो। कणी धर्म यदा यदा ही धर्म से तो कणी वंश नाश ने रोकन सारू। आथर तो रहो आव की उम्र, फगत मिनक जून ने रस्तो बतावन ने, कि पूरी उम्र संघर्ष कर तो रहो खाली कि मिनखा जून ने एक रस्तो बताए दू। कि थने पाछो बावड़न दी थावस देर में वो गियो, कदी डाण कदी लोकतंत्र कदी धर्म कदी युद्ध और तो कदी वंश नाश ने रोकन सारो। आथर तो रहो आव की उम्र, फगत मिनखा जून ने रस्तो बतावण ने, पण भूल गियो कि थू उठे ही उड़ीकती हुएली जमुना किनारे कदम रे नीचे। क्या बात है, के भूल गियो कि थू उठे ही उड़ीकती हुएली जमुना किनारे कदम रे नीचे। खुद ने संपूर्ण बनावता खपता ओ भूल गयो कि थारी उड़ी इन सगड़ा सांसारिक गनासों बत्ती महती है। राधा रो जिक्र ही नहीं आज तक कि खुद ने संपूर्ण बनावता, क्योंकि वहां तो ईश्वरत्व प्राप्त हुई पूर्ण मद पूर्ण मिदो वालों, कि खुद ने संपूर्ण बनावता खपता ओ भूल गयो कि थारी उड़ी इन सगड़ा सांसारिक गनासों बत्ती महती है। इसो नहीं हो कि मने तू याद नहीं, कि इसो नहीं हो कि मने थू याद नहीं, पण कदे मारे हाथा सू बंसी खोस और इन वजर छाती टैम पांचजन्य पकड़ाए दियो, मने बेरो ही नहीं पड़ियो। कि कदे मारे हाथा सू बंसी खोस और इन वजर छाती टैम पांचजन्य पकड़ाए दियो, मने बेरो ही नहीं पड़ियो। नित नुआ इंतियाम ईश्वर बनन्ना पास करतो गियो, और थू फगत प्रेम करर ईश्वर होई। काई बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कि नित नवा इंतियाम ईश्वर बनना पास कर तो गयो, और तू भगत प्रेम कर रे ईश्वर होएगी। मैं तो प्रेम रो बिंबिज रह गयो, और तू संपूर्ण होएगी अनहद ने पार कर। बहुत खूब बहुत खूब। आपने हगली रचना रामायण एक महिला री पीड़ा, एक महिला रो मुद्दो लुगा ने हगली बाता है, जो काकीड़ो है। मैं जब शुरू करया तो इन काकीड़ा कैरेक्टर माते भी कई लिखिया वेला मैं खासा रचना होगी तो मैं टाइम लोगा रो नहीं लियो, आप लोग भी ले रहे नहीं नहीं आप, पर वो काकीड़ो कई है अगला समझ में आई जावे उन वास बिल्कुल। इनमें मैंने एक आप छोटी सी जगह और दे रहा कि इन रचना रो मूल जो है वो दर्शन माते, क्योंकि पूरी किताब रो जो शीर्षक है काकीड़ो वो गिरगिट इनवास से लियो कि पल पल रंग बदले, तो टैम जो है वो आपरे हिसाबों चले और मिनक आपरे हिसाबों चले, मिनक हिसाबों टैम नहीं चले। लेकिन मिनक भोड़ो है वो समझे कि टैम मारे जेब रे मायने है, जबकि सच वो है कि टैम किने जेब में नहीं हुए। आ एक मोटी बात देखकर मैं इन शीर्षक काकिंडो रखियो कि डाली माथे बैठो काकिंडो गिरगिट डाली माथे बैठोड़ो, फगत डाल नहीं आपरो हितड़ू और पांडड़ा ने आपरो परिवार जाने। क्योंकि मिनक जो है वो आपरा आसपास नहीं समझे कि भाई यही सब मारा है। डाली माथे बैठो काकिंडो फगत डाल नहीं आपरो हितड़ू और पांडड़ा ने आपरो परिवार जाने, और आपरा इन परिवार रे मुजबिज बिरखा में लीलो वस्त पांचम माथे पीलो, और उन्हाड़े में वजाबा सुथारी डोगरी डोकरी रे ओर ने दिसो भूरो कथई रंग ओढ़े।
कि कणी बाप री भूमिका, कणी माँ री भूमिका, कणी बेटा री भूमिका, टैम रे हिसाबू करें कि इन आपरा परिवार रे मुझे बिरखा में लीलो कच्छ वस्त पाचम माते पीलो और उन्हाड़े में वजावा सुथारी डोकरी रे ओर ने जिसो भूरो कथे रंग उड़े पण वी नी उड़े टैमरा रंग लेकिन समय ने नी पिछाण पावे विण भोले ने काई था के टैमरा रंग दोईज हुए एक धौड़ो और एक कावा के विण ने काई था के टैमरा रंग दोईज हुए एक धौड़ो अरे कालो जिनरे पूरा होया अठे छूट जासी सगड़ा रंग सगड़ी रुता और सगड़ा पानड़ा। बड़ो खूब बड़ो खूब मारे साबू में मारी जिज्ञासा तो पूरी कर ली पर अपना घना ही पावना आयोड़ा है घना ही लोग आयोड़ा है बे भी आप सागे अता ही करबो चावे तो अब प्रश्नोत्तर आनो चैप्टर आप शुरू कर सका आप लोगों का जिका सवाल है कोई अरविंद सिंह जी हूँ आप अता ही करबो चाहो पहली बात तो मैं आपने धन्यवाद दूं कि आप ये कविता चोखी लगी मन को छूती है कुछ जगह काफी जगह पे धन्यवाद इन वास्ते चोखी लगी लेकिन और दूसरा धन्यवाद इसलिए अनिवार्य से देवना चाहूँ कि आप लक्ष्मी कुमारी जी चुड़ावत ने याद की वे हमारी बड़ी बहन की तरह था और वो केवल अच्छी कवित्री नहीं थी मनुष्य एक मानव रूप में भी वो बहुत महान थी प्रेम वाली थी और साहस वाली थी और इसीलिए मेरे कहने पे उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध यहाँ पब्लिक मंच पर सती प्रथा के विरुद्ध राजपूत होते हुए भी बोला था और उसके बाद दूसरे दिन बहुत से लड़के उनके घर जाके तोड़फोड़ करके आए तो उनमें एक साहसी प्रवृत्ति थी और आप उन्होंने याद किया मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने बहुत अच्छों को लागो और राजस्थानी बोला को नहीं ना इन वास्तव प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन बचपन में बहुत बोली है दूसरी बात एक आप जो कहो कि कविता और कहानी में अंतर है थोड़ो सो मैंने वो लागो कि हाँ आ बात जरूर है कि कविता में भावना अधिक हुए कहानी में एक बिंदु हुए जैसे वो बिंदु स्पर्श कर ले और शब्दों रो जाल उन्हें आगे पीछे जावे तभी वो सफल हुए आप राजस्थानी भाषा में इतनी चोखी कविता करी बस एक जगह मैंने थोड़ो सो मारो चूंकि मैं स्त्री विमर्श में बहुत काम करूं इन वास्ते मन मन में लागो कि आप पद्मनी रेमुंडम हो जो क्यों कह लो कि पुरुषा इन्होंने भी लुगाई रो जन्म दे जो कोई साप तो नहीं है हाँ वो मैं मानू कि आप इन वास्ते कियो कि पद्मनी उस उन समय कैसी भावना रखती थी और कितनी कितनी दुखी थी इन वास्ते कियो आप खुदरो विचार वो कूनी लेकिन फिर भी थोड़ो सो और लागो कि लुगाई रो जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी कविताओं में बहुत अच्छा लगा कि आप स्त्री को बहुत बड़े रूप में महान रूप में विशाल रूप में देखते हैं देखो इन वास्ते अच्छा लागो धन्यवाद मैं जवाब देना चाहूँ कि पहले तो आप जो फरमायो कविता और कहानी रामायण है वो अंतर उन कारण मारो जो मैं पहली अर्ज करी वाइज है कि मारी नजर माने कविता जो है वो एक कॉन्सेंट्रेट है जो कहानियां मैं 10 पेज में लिखकर जो बात कहनी चाहूँ वे लोग कुछ शब्दों ने मायने के मैं आपने एक अर्ज करूँ छोटो सो रामदान जी कवियारो एक छोटो सो कवित है कि वह कहे कि बड़के डाढ़ बरा और कड़के पीठ कमठ बड़के डाढ़ बरा आप धरती जो है सभी तीन मिथ है कि डाढ़ बरारी डाढ़ माते हैं एक मिथ और है कि कछुआरी पीठ माते हैं और एक मित वो है कि सैंस नागरस फण माते हैं तो वह कवि कहे कि बड़के डाढ़ बराह कि जो बरारी डाढ़ है वह बड़क जावे विनमान तेड़ आ जावे और कड़के पीठ कमठ और जो कछुआरी पीठ है वह कड़कड़ी जावे और धड़के नाग धड़ा और जो सैंस नाग विनो फण हिल जावे कि बड़के डाढ़ बराह कड़के पीठ कमठ धड़के नाग धड़ा
बाघ चढ़े जद बीस हत के जद बीस हतरी दुर्गा बाघ माते चढ़े पूरी धरती हिल जाए। अब आ ताकत कहानी में कठो लाऊ इन वास्ते मैंने हाथ जोड़ करना पड़े क्योंकि कविता तो कविता है और वो कॉन्सेंट्रेट है, वो तो अद्भुत है, वो देवी कार्य है। और इन वास्ते मैं अभी अर्ज करी मैंने बड़ो डर लागो दिन टाइम मैं कविता संग्रह छपाए तो कहीं ठे कविता भी है कि नहीं है। दूजी बात जो आपकी वह आपकी आंखें माते मारे माथा माते कि आ बात वे सके, लेकिन वटे मारो एक ही उद्देश्य है कि एक महिला पुरुषों एड़ा निर्णय किन दर्दों गुजरे ओ घोड़ारी खोड़ घोड़ो ही भुगत सके, आपरो दर्द आप ही समझ सके, पराई पीढ़ रूह पोली लागे। इन वास्ते ओ क्यों के एक बार थे लुगाई बड़ो थन ठा पड़े कि दर्द री किन हद तक इन एक्सट्रीम तक इन लेवल तक इन चीज दर्द लिया करे एक महिला ने, इन वास्ते वो वटे हो निश्चित तौर। धन्यवाद। और कोई बहुत अच्छा लग गया और आपकी कविता सुनबा के बाद में दिल में कोई कूड़ा में कहना जो जो सुप्त अवस्था थी वो जाग गई, इसलिए एक दो सवाल मैं आपने अर्ज करूंगा। यदि राजस्थानी भाषा रो साहित्य आप पढ़ा तो बेसिकली डिंगल और पिंगल काव्य है यह बेसिक जो है मूल है। ये आजादी के टाइम पर भी डिंगल पिंगल काव्य आपने रियो और वो टाइम में बंगाली और राजस्थानी भाषा ये ही बड़ी समृद्ध भाषाओं पकड़ थी, पर बदकिस्मती यह हुई मैं जानू कौन है आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि जो संविधान बने उनकी लैंग्वेज में राजस्थानी रखी कौन गई, इसलिए हमारा जो मारो जो जो साहित्य से टिंगर पिंगल काव्य को आगा को रूप चले और आज आपकी कविता पढ़पा के बाद में मुझे यह लग कि जो उर्दू में रदीफ और जो है जो काफिया और हिंदी में मात्रा की जो है जो आपने डिंगल पिंगल साहित्य में मात्राओं का थे वासु मात्राओं से और रदीप सूर और जो है काफिया सूर दूर हटकर नई कविता हिंदी में जिन्हें नई कविता बोली थी वह राजस्थानी में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि या जो नई कविता है राजस्थानी में आनो या कॉमन आदमी की आम आदमी की भाषा है। नंबर एक। नंबर दो, इस सवाल के संबंध में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको काव्य ने डिंगल काव्य कहाँ पिंगल काव्य कहाँ या नई कविता कहाँ या नयो एक अपनी धारणा का थारो विचार का है, पहला सवाल तो यह जी। और दूसरो थारो सजेशन का ही है कि राजस्थानी भाषा ने और आप क्या पढ़ा क्योंकि राजस्थान अकेडमी है जोधपुर में साहित्यकार और कई परंतु मारी बदकिस्मती यह है मारी औलाद राजस्थानी बोले ही कौन, मैं कोशिश करा जा रहा बोल ले रहे वक्त वक जय डैडी गुड मॉर्निंग बड़ो भाई है राम राम को बदले गुड मॉर्निंग तो तू ग्रज है तो या जो पीढ़ी दर पीढ़ी को बदलाव आ रही हो जाए थारा विचार सू या राजस्थानी साहित्य ने आगे कहीं बढ़ाओ। धन्यवाद। दो सवाल आप करिया और दोहरा जवाब जो है वे पहलो सवाल जो आप रो है कि राजस्थानी भाषा मायने डिंगल और पिंगल जो शैली ही और बाद में नवी कविता आएगी तो इनमें मारो मानना ओ है कि डिंगल और पिंगल दो ही स्टाइल ही दो ही शैली ही भाषा तो राजस्थानी थी तो मीटर जो टीएस इलियट और विंटेम शैली और वारी कविताओं देखा विंटेम भी मीटर हाइपरबोल और वाने सोनेट जो है और जिता भी लिखिया वे आप रदीफ काफियार हिसाब में चलिया मात्रा और मान चलिया और बाद में अबे जो कविताएं लिखी जी वे धीरे धीरे गद्य कविता के रूप में स्थापित हुई और बहुत बेहतर कविता लिखी जी तो एक विश्व स्तरीय भाषा विवन्ने नाते राजस्थानी में भी वो जरूरी हो कि साइमल्टेनियसली बराबर बराबर कदमों कदम मिला रहा पे चला तो गद्य कविता जो है वो राजस्थानी में आनी ही आज नहीं तो काले लेकिन नो ओ मतलब नहीं है कि डिंगल रो प्रभाव खत्म वेगो आज भी डिंगल शैली री जो ग्रंथ है लेकिन जो एक क्या करे डिंगल दास जी प्रोफेसर है सोनदान जी वे क्या करे कि मैक्सिमम एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लैंग्वेज वो कर लियो हो वहाँ पे
और शायद नवी दरकार जो ही वो नया साहित्य रचने साथ ही, तो लिहाजा नई तरफ बढ़ना बहुत जरूरी भी गयो हो। इन कारणों अब ये नई कविता और नई कहानियाँ और नए थीम आप सामी हैं सारे का सारा। मैं इन बाबत एक टीप जरूर बीच में जाना हूँ कि इवन कहानियाँ रामायण तक नई थीम है। अब ये कहानियाँ भी जो बैलगाड़ियों और रामला किसानों ऊँट बहुत आगे आएगी राजस्थानी रामायण। आप ताज़ा कहानियाँ देखो, अब बार दिन जाने एक अकादमी रामायण पुरस्कार मिलो यंगस्टर ने, वहाँ वो लिखियो कि वानी ये कहानी जो सबों अद्भुत आई कि एक आदमी सुबह घूमने जाए और वो आधो किलोमीटर जाए में याद आवा जेब रामायण मोबाइल को नहीं। अबे विनय बाबरमान आप देखो बिना हाथ कहीं पीते, अब वो घूमने तो जा रही हो लेकिन दे रहे बिना लगे मोबाइल को नहीं, काले लुगाई पड़ गई ही बिना हाथ टूट गो हो बिना प्लास्टर तो नहीं उतर गो, छोरो पढ़ने गयो कि नहीं गयो, छोरी ट्यूशन आई कि, अब वो गहलो व्योड़ो वो आधी छोड़ आपरी जो मॉर्निंग वॉक है पाछो घरे दौड़ियोड़ो आवे और आए जोर जोरों दरवाजो खटखटाओ बिना लुगाई खोले कहीं गयो तो के घर में सब ठीक है, तो वाके हाँ सब ठीक है, वो चैन री सांस ले। अब आप देखो राजस्थानी रामायण का कहानी तो वक्त रे साथे वो बदलाव तो आना ही होता है, ये चीज़ें आनी थीम आनी। दूसरी चीज़ जो आप फरमाई राजस्थानी भाषा रे बारे में, तो इनमें वो ऐसा कि एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि राजस्थानी भाषा है आज स्टैंड करे, इन्हें नकार नहीं सका। पहलो ग्रंथ जो ज्ञात रे मायने चंद्रवरदाई रो आप देखाओ पृथ्वीराज रासो, जिन मायने वहाँ संयोगी तारो सुंदर तारो वर्णन करता है कि ओके कुंजर ऊपर सिंह सिंह ऊपर दो पब्बे पब्बे ऊपर भ्रंगता ऊपर शशि सुबह। तो शुरुआत तो किताब और साहित्य मुड़िया लिपि ये सब चीज़ें आप जगह स्टैंड करती रही राजस्थानी रामायण। वेशक है कि शायद बाद रामायण देवनागरी लिपि विवन ने कारण सु शायद कटी हिंदी भाषी रे साथ शामिल भी यहाँ पे, और निश्चित ही हिंदी रे साथ साथ ही राजस्थानी विकास वेला ओबिते है और जड़ों की आज एक वो हर आदमी आपकी भाषा राजस्थानी लिख रही हो है जनगणना रामायण ने भी। इन हिसाब से 8 करोड़ लोग विश्व रामायण में राजस्थानी बोल रहा है और बात कर रहे हैं राजस्थानी रामायण है, तो निश्चित तौर पर आप भाषा बहुत ज़्यादा दिन तक बारे नहीं रहनी है, कठिन कठिन बात करनी पड़ी। और तीसरी बात जो आप फरमाई हमारे घर में राजस्थानी नहीं बोले तो हुकुम ओ तो रावड़ा कीड़ा हमें भालना पड़े, कोई दूसरा तरीको नहीं है कि मैं मारे घरे मारे जोड़ाए जो है वे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और मारी बेटी है वह कॉन्वेंट में पढ़े, पर मैं तीन ही घरा भेड़ा हुआ जने भाषा में ही बात करा आप राजस्थानी रामायण है, तो अतः अपन सौगन लेनी पड़ी, इन्हों कोई इलाज नहीं है। और देखना पड़े आपने कि जिन टाइम दो गुजराती गुजराती रामायण बात करें, दो मराठी मराठी में बात करें, दो बंगाली बंगाली में बात करें, तो आप यहाँ पर भाषा में क्यों नहीं कर रहे, तो आप बात तो करनी पड़े आपने घर पेटे देखना पड़े क्योंकि इन्हों दूसरों कोई इलाज नहीं है। ठीक है, साहित्य ने मैं एक विद्यार्थी के नाते यहाँ देखूँ कि साहित्य जो भी स्थापित मान्यताओं छे वह स्थापित मान्यताओं ने चुनौती दी और आपकी कविताओं में जो भी अलग अलग दृष्टिकोण से आप स्थापित मान्यताओं ने चुनौती दी वह बिल्कुल एक तरोताज़ा करे दिमाग ने और वही साहित्य की ताकत है। क्योंकि साहित्य जो है अगर जो कोई बात पहले से स्थापित है हम उसी में बहे जा रहे हैं, जैसे उदाहरणतः आप पन्नाधाय को मामलो लो, पन्नाधाय की तरह से आपने जिस तरह के सवाल किए हैं उसमें तो वह सवाल जो अब हो सकता है उसके खिलाफ दूसरे सवाल भी आएंगे, तो ये सवाल दर सवाल उठते रहें, ये प्रतिकार होता रहे, यही साहित्य की और कविता की ताकत है और आपने उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं पिछली बार भी कही तो घराना की बात है चलती रहे और टाइम की एक सीमा है, कृपाराम जी से मेरे ख्याल से समाप्त करूँ। देखियो कि पढ़नो वेद पुराण सोरो ही संसार में, पढ़नो वेद पुराण सोरो ही संसार में और बाता तड़ो वितान, इन बातों से वितान बढ़ा देना है, बाता तड़ो वितान रहस दूर है अड़ो राजिया, बहुत कठिन है। तो इन बातों से अश्विनी जी ने और इन्होंने इतना वितान खींच दिया कि हम भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं। देखो सबको एक हम सबको लगने लगा कि राजस्थानी भाषा के प्रति एक नहीं, और इन्होंने ठीक कहा कि वो तो रावड़ा में शुरू करनी पड़ सी, आप सब भूल से मेरा अनुभव है कि बाहर जब मिलते हैं सब तो अपनी भाषा में बोलते हैं और एक अपनापा महसूस होता है। आप सबका धन्यवाद, हमारा जो उपक्रम रहता है उसमें आपकी पुस्तक उपलब्ध है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप आज मौका है इनसे अपन हस्ताक्षर करा के ले सकते हैं, तो मैं आपको पुस्तक आपकी काकेड़ो क्योंकि अधिकांश पाठ इसमें से हुआ, आप लीजिए और आप सबका आज यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। आप
आपसे आग्रह कि जिन्होंने वो अपना नाम और पोस्ट एड्रेस वगैरह नहीं दिया तो कृपया जरूर दे दें हमको, ताकि अगली बार जब कार्यक्रम हो तो हम आपको समय पर पूर्व ही सूचित कर सकें। धन्यवाद। आपकी भाषा तो इतनी बढ़िया कि आप बड़े बड़ों को बात कर देते हो, आप इतनी बढ़िया आपने मेवाड़ी बोली, इतनी बढ़िया राजस्थान मतलब जो है ढूंढाड़ी भाषा भी कमजोर पड़ेगी मेवाड़ी के सारे राजस्थान में मेवाड़ी नहीं सब राजस्थान के अंदर नहीं वो भाषा इसके अंदर नागुर से अरे नागुर सुर की इतनी बढ़िया मेवाड़ी भाषा कैसे बोल ली आखर अपनी भाषा अपना लोग।